वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, उस जहन्नमी को मैं जानता हूँ जो सबसे आखिर में निकलेगा, ये आखिरी जहन्नमी होगा जो जहन्नम से निकाला जाएगा। बाकायदा ग्रुप होगा, उनका नाम ही जहन्नमी यून होगा, जहन्नमी यून, उनका नाम ही जहन्नमी हो जाएगा, बहुत अरसे के बाद निकाले जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस आखिरी जहन्नमी को जानता हूँ, आपने फरमाया जहन्नम से निकाला जाएगा, उसके बाद उसे माए हयात में नहलाया जाएगा, फिर एक जगह खड़ा रहेगा वो। अरसे दराज के खड़े होने के बाद एक आगे दरख्त उसे नजर आएगा जन्नत की तरफ, वो कहेगा मेरे माबूद उस दरख्त के पास चला जाऊं, ठीक है चला जा, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा ना, बोले नहीं, वो दरख्त के नीचे खड़ा हो जाएगा, बहुत दिनों तक खड़ा रहेगा, उसके बाद वहां से जन्नत का गेट नजर आएगा, ये कहेगा अल्लाह उस जन्नत के गेट के पास चला जाऊं, अल्लाह कहेगा ठीक है चला जा, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला को जन्नत में डालना होगा, उसको गेट के पास चला जाएगा, वहां खड़ा रहेगा, बहुत अरसे बाद बोलेगा ऐ अल्लाह एक पैर जन्नत में डाल लूं, एक पैर जन्नत में डाल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को हंसी आ जाएगी, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक तआला भी सिफत ज़हक से मुत्तसिफ है, सिफत तबस्सुम से मुत्तसिफ है, अल्लाह हंसता है, लेकिन हंसना कैसा, हम लोगों की तरह थोड़ी, अल्लाह तबारक व तआला का हंसना उसकी शान के मुताबिक है, ऐसे कम इसलिए है, अल्लाह के मिसल कोई चीज़ नहीं है, उसका हंसना भी उसी की शान के मुताबिक है, अल्लाह हंस देगा, आ जा जन्नत में चला जाए, जन्नत में चला जाए, तो वहां किसी को बोरियत नहीं होगी और ना दाखिल होने के बाद किसी को वस से निकाला जाएगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है बंदे की खसूसियत है मेरे रहम का नाजायज फायदा उठाता है, अल्लाह गफूर रहीम, अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, रोजा क्यों नहीं रख रहे हो, और ये गलत काम तुमने क्यों किया, अल्लाह गफूर रहीम है, तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब आप मेरे बंदों को बोल दो नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, इसी बारे में अभी नबी इबादी मेरे बंदों को ये बता दो कि अल्लाह तबारक तआला गफूर रहीम है, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ये बता दो मेरे बंदों को मैं गफूर रहीम हूं, वान अदाबी हुवल अदाबुल अलीम, लेकिन मेरा अदाब दर्दनाक अदाब है, तो मेरे सिफत रहमी की तरफ मत देखो, मेरे सिफत कहर की तरफ भी तो देखो, सिफत रहम ही की तरफ मत देखो, सिफत कहर की भी तरफ देखो, गफूर रहीम हूं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं मुंतकिम भी तो हूं, मैं अजीज भी तो हूं, इंतकाम भी तो लेता हूं, लिहाजा ऐसी कोई हरकत ना करना के मुझे तुमसे इंतकाम देना पड़े। तो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, नेक आमाल करता रहे,